ये देखो मम्मी को इसमें बिठा दिया, मम्मी की बधाई दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है वेडनेसडे, टाइम मॉर्निंग का है। यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और उसके साथ ही लंच बॉक्स की भी तैयारी कर रही हूँ। और सच बताऊँ, कभी कभी ना ऐसा होता है कि मतलब 90% ये होता है कि मैं रात को सोच के ही सोती हूँ कि मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी, और कभी कभी 10% ये हो जाता है कि समझ नहीं आता है कि क्या बनाऊं। तो जब समझ नहीं आता है तो मैं खुद ही सुबह उठ के खुद ही जो मेरा मन करता है वही मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ। ऐसे प्लानिंग तो होती नहीं है किसी चीज़ की, तो बस जो हाथ लगता है वही बना देती हूँ। जैसे कि आज, तो आज भी मैंने कुछ सोच के नहीं सोई थी कि मुझे क्या बनाना है। तो यहाँ पर ना मेरे पास जो है वो था, जो न्यूट्री नगेट का ग्रैनुल्स नहीं होते हैं, जो उसका चूरा सा होता है वो बचा हुआ था, क्योंकि मैंने आशी के लिए आपको बताया था उस दिन सब्जी बनाई थी आशी सिया के लिए, तो उसमें से ही थोड़ा सा बच गया था वो। तो वो बचा हुआ था, उसको मैंने फटाफट से जैसे उसको देखा तो मुझे ध्यान यही आया कि मैं इसका ना कुछ ऐसा करती हूँ, भरवा बना के पराठा बना के बना देती हूँ। तो फटाफट से बस इसको, जो न्यूट्री नगेट का चूरा था, इसको मैंने बॉयल वाटर में जो है डिप कर दिया 5 मिनट के लिए। एक साइड प्याज वगैरह कट कर लिए और इसमें हल्का सा तड़का लगा दिया प्याज के साथ, मसालों के साथ, और कुछ 1-2 मिनट के लिए पकाया। और न्यूट्री नगेट का मसाला जो है पराठे के लिए रेडी हो गया था। उसके बाद बस आटा गूंदा फटाफट से और यहाँ पर मैंने फटाफट से उसके पराठे बना दिए। और ये पराठे ना बहुत अच्छे और थे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि स्कूल मैंने दिए हैं, बच्चों को पसंद आए, आशीष या दोनों खाकर आए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब ये ना जैसे हम लोग घर में खाते हैं, चाय वगैरह के साथ लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा ना इसका जो मसाला होता है थोड़ा ड्राई होता है। तो बच्चों को मैंने सॉस या मेयोनीज के साथ तो दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता घर में अगर चाय के साथ हम इसे खाए तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो बस यही मेरा मन करा तो मैंने यही बना दिया और दोनों को बहुत पसंद आया। आशी तो घर में आके बोर थी, मम्मी एक पराठा बचा है या नहीं बचा है। मैंने कहा नहीं बेटा, जितना वो बचा था पूरा का पूरा मैंने पूरा लगा दिया, क्योंकि खाकर भी गए थे और स्कूल भी ले गए थे इस वजह से। तो बस यहाँ फटाफट से इनके लिए पराठे बना रही हूँ और इसके बाद दोनों बच्चों को उठाऊंगी और ये अपना रेडी हो जाए। तो पराठे मैंने बना दिए हैं और थोड़ा सा मैंने ओट्स भी बनाया है, क्योंकि आशी को ओट्स खाने का मन था, पिछले दिन वो बोल रही थी, तो ओट्स बनाया। मैंने सोचा सिया के लिए बना देती हूँ, लेकिन सिया ना नहीं खाती है ओट्स बिल्कुल भी। अब आप बोलोगे कि सिया, आप हमेशा बोलते हो सिया ये नहीं खाती है वो नहीं खाती है, वो खाती है, लेकिन बच्चों का ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता रहता है हर बार। छोटे में जो खाते थे, अब वो बड़े होकर वो चीज़ वो खाते ही नहीं है, होता है ऐसा। तो मैंने ओट्स बनाया था, सिया ने तो बिल्कुल नहीं खाया। फिर मैंने उसको ब्रेड वगैरह सेक कर दी थी, उसके लिए स्पेशली चाय बनाई अलग से, फिर जाके उसने ब्रेकफास्ट करा। यहाँ पर जो मैं बाहर देखने गई थी, बारिश तो नहीं हो रही है, तो बिल्कुल हल्की हल्की से बूंदे पड़ती है ना, 1-2 ऐसे करके इस तरह से बूंदे पड़ रही थी, मतलब बारिश इतना ऐसे नहीं हो रही थी। और यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े भी लेकर आ गई हूँ, दोनों को उठा दिया है, और दोनों के दोनों भी 5-6 मिनट लेते हैं उठने के लिए, जैसा हमें भी होता है कि अगर हमने 5 बजे का अलार्म लगाया है तो 5 बजे तो मैं नहीं उठती हूँ, 5-10 मिनट ऊपर हो जाता है। शाम का टाइम हो रहा है और सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं करा है, सिर्फ थोड़ा सा ही आप लोगों के साथ शेयर करा था मॉर्निंग में, उसके बाद कोई भी ब्लॉग वगैरह नहीं करा है, क्योंकि मुझे आज ना वीडियो एडिट करना था, और जिस दिन मुझे वीडियो एडिट करना होता है ना उस दिन ब्लॉग थोड़ा सा मेरा कमी हो जाता है, और फिर थोड़ा सा बिजी भी थी इस वजह से। तो आज है तीज, हरियाली तीज, तो आप सभी को हैप्पी तीज। और यहाँ देखो मेहंदी लगाई है मैंने के वाले हाथ में, और इसमें सियाने लगाई है, ये देखो अच्छी लग रही है ना। तो ये पहले तो इसके पापा लगा देते जब ये छोटी थी, कि इतना नहीं इसको समझ आता था पकड़ना, अब ये पकड़ लेती है कि, तो मैंने उसको बता दिया था कैसे कैसे लगाना है, तो फिर ये सियाने लगा दी थी। और बैक में तो ऐसी है, यहाँ पे बैक में मैंने ऐसे लगा दी थी, और ये ग्रीन चूड़ी चेंज करी क्योंकि मम्मी दूसरी चूड़ी लेकर आ गई थी। मेरी आईब्रो कैसी हो रही है? एक्चुअली आईब्रो मैंने बनाई नहीं है, इसलिए अजीब सी हो रही, ऐसे खड़ी खड़ी सी लग रही मेरे को, पता नहीं क्यों।
तो वो ये है। और यहाँ पर बस अभी मैंने नेल पेंट नहीं लगाई है आज, और मैं कोई ऐसे फास्ट वगैरह नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप में से काफी लोग फास्ट रखते होंगे, तो आप सभी का फास्ट काफी अच्छा जा रहा होगा। मेरी सिस्टर भी रखती है फास्ट, मैं नहीं रखती हूँ। तो चलिए, मैंने कहा आज तीज है इसलिए मैं कंटिन्यू करी, अदरवाइज मैं कल से ब्लॉग स्टार्ट करती, लेकिन तीज की आप सभी को बधाई देनी थी इस वजह से मैंने कहा चलो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं तीज की, हरियाली तीज की, और आप लोग झूला झूल रहे होंगे आज, है ना। हमारे इधर तो इतना कुछ मतलब करते हैं जिनके लोग व्रत रखते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे आस पास बता रही हूँ ऐसे कुछ है नहीं कि झूला झूलते हैं वो है, तो हम लोग घर पे ही है। आप लोग तो रेडी भी हो रहे होंगे जिनका फास्ट वगैरह है, हम लोग ऐसे ही घर के कपड़ों में ही आज। लेकिन ये है कि मेहंदी हम लोग हर साल लगाते हैं, जब तीज होती है तो मेहंदी लगाते हैं, तो ये लगाई है मैंने। बस नेल पेंट लगाऊंगी, नेल पेंट रोज लगी हुई थी लेकिन आज ही नेल पेंट मैंने वो हटाई है, अब दोबारा से लगाऊंगी मैं ग्रीन कलर की नेल पेंट। और ये चूड़ी मम्मी लेकर आई थी, क्योंकि वो चूड़ी ना अजीब से होने लगी थी, उसके ना ये चिल्ले चुल्ले निकलने लग गए थे, तो ये मम्मी दोबारा लेकर आई, अच्छी लग रही है ये भी। वो ये तो मतलब चाय बनाऊंगी, 4:30 बज रहे हैं, बाहर ना इतनी बारिश हुई है ना, दिन में बहुत तेज बारिश हुई है, अभी फिर बारिश ऐसा हो रहा है, और मम्मी और मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, मम्मी की दवाई वगैरह खत्म है तो वो लेने जाना है। तो अगर बारिश नहीं हुई तो मम्मी और मैं चले जाएंगे, अभी फिलहाल 4:30 बज रहे थे, मैं सोच रही हूँ मैं चाय चढ़ा देती हूँ ताकि टाइम से चाय बन जाए, और फिर मम्मी और मैं डॉक्टर के पास चले जाएं। यहाँ पे कुछ बर्तन है दिन के, इनको भी हटाऊंगी मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है बादल की आवाज बात क्यों करेंगे, काम चल रहा है शायद वहाँ की आ रही है। और मम्मी के भी हाथ में मैंने मेहंदी लगाई थी, एक हाथ में ऐसी लगाई थी, एक हाथ में जैसे अलग से लगाई थी कुछ, तो अच्छी लग रही है मम्मी के भी, तो वो भी मम्मी से भी आपको मिलवाऊंगी मैं। तो दोस्तों बस सोच रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन फिर ऐसे हो जा रहा था इसलिए ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा। अभी मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, चाय चीज पीते हैं और फिर चलते हैं डॉक्टर के पास, उसके बाद ब्लॉग देखते हैं कितना बनता है, तो फिर कल ही आप लोगों से मैं मिलूंगी और ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। यहाँ पे देखो सिया क्या कर रही है, इसने सारी मेहंदी कीप को कैंची से काट के क्या करा दिखा, और पता नहीं अब क्या कर रही है, पानी घोल रही है उसमें। हाय कर दे सबको, हाय तो कर दे सबको। अब ये देखो क्या कर रही है, मेहंदी में ना ये हैंड वॉश मिला रही है, ये क्या मतलब हुआ बेटा है? अब अपना कंटेंट लेके मेरे सामने बताइए। मेरा कंटेंट बोलूंगे क्या, मतलब कंटेंट का मतलब क्या हुआ बता पहले मेरे को, कि सुन सुनाए बोल रही है, क्या होता है कंटेंट मतलब, जल्दी बता। देखो यहाँ देखो सिया को क्या है बेटा, ये देखो, लेकिन मैंने भी डब्बा ऐसा चूज करा ना जो ये डब्बा खोल ही ना पाए। नहीं, मैंने शाम को खा लिया था। शाम को, शाम तो अब हो रही है बेटा, शाम अभी हो रही है, कब शाम को खाए। ये देखो ये ऐसे कर रही है, इसलिए तो मैं एक बार मंगाती हूँ उसके बाद मैं नहीं मंगाती। ये देखो ये डब्बा अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना है, कल तक ये शायद इतना भी हो जाए। बेटा ऐसे नहीं खाते, दूध में दूंगी इधर दे, अब मैं दूध में गर्म करके दूंगी, चल दूध में गर्म करके नहीं, गर्म दूध में डाल के दूंगी, दे ये देखो ये गंदी क्या बात है, नहीं तो मत खाना ऐसे, मत खा इतना भर के, मत खा सिया इतना भर के मत खा। ये देखो ये देखो, अब नहीं मिलेगा, अब दूध में नहीं मिलेगा, अब दूध में नहीं मिलेगा बेटा, 2 चम्मच के बराबर खा लिया। तो ये ना देखो ऐसे कर रही है, ये ऐसे खाती है ये, तभी मैं मंगाती नहीं हूँ, मंगा के फायदा नहीं है क्योंकि दूध में कम और ऐसे ज्यादा जाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं जो है दिन के बर्तन जो हैं वो अरेंज कर रही हूँ, और साथ में मैं फिर चाय भी चढ़ा दूंगी। और चाय आजकल ना जैसे बारिश जैसा होता है या बरसात सी लगी हुई है तो मन करता है कि गर्म गर्म चाय पीने का, और वैसे भी मसाले वाले चाय, तो ऐसा मसाला तो कुछ मैं ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन उसमें जैसे कि तुलसी पत्ता मैं ऐड कर देती हूँ, और
ये जो काली मिर्ची होती है ये मैं ऐड कर देती हूँ, उससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा जाता है। काली मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत मैं ऐड करती हूँ, अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि ज़्यादा तेज काली मिर्च की शायद मेरते नहीं पी जाती है, और साथ में से हरी इलायची हो या बड़ी इलायची हो इस तरह से बनाओ ना तो अच्छी लगती है, मतलब एक मसाला सा आ जाता है। लेकिन बहुत कभी कभी होता है कि मैं नहीं बनाती इस तरीके की, क्योंकि कभी कभी आशी और या चाय पीने की ज़िद करते हैं, मैं बहुत मना करती हूँ। लेकिन इनको पता नहीं चाय पीने का ना ऐसा शौक सा बोल सकते हो ना हो गया है ना, कि ये कभी कभी मांग ही लेते हैं, तो मैं फिर ये चीज़ें ऐड नहीं करती क्योंकि फिर ये दोनों ही नहीं पीते हैं इस वजह से। और यहाँ पर मैं जो मलाई के लिए मैंने ना दूध का पतीला निकाला था, और तिया ने पता नहीं कैसे मलाई करी, सारी मलाई इसने इधर उधर कर दी, वो छन्नी में फिर आया ही नहीं। फिर मैंने एक एक करके अच्छे से इसको निकाला। वैसे सच बताऊँ तो इतनी मलाई नहीं जमती है, क्योंकि गाय का दूध है और हर गाय का दूध ना गाढ़ा नहीं होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मलाई नहीं जमती है, हल्की फुल्की जमती है, तो मैं निकाल देती हूँ जब मेरा मन करता है। यहाँ पर धनिया पत्ता था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि धनिया बड़ी मुश्किल से आजकल यहाँ पर मिल रहा है, तो इसलिए संभाल के उसको रख दिया। और यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म चाय जो है वो भी अच्छे से उबल चुकी है, तो बस अभी जो है चाय पियेंगे तुलसी वाली। और तुलसी की भी ना स्मेल काफ़ी अच्छी आती है, ये एक तुलसी तो बहुत स्ट्रांग होती है ना, ये बहुत स्ट्रांग वाली तुलसी नहीं है, दूसरी है ये, एक श्याम तुलसी होती है और एक बद्रीनाथ की होती है, उनमें से एक तुलसी है, नाम मेरे को पता नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं चाय चुई पीने के बाद अपने रूम पर आ गई थी, थोड़ा सा बेड वगैरह झाड़ूंगी, वैसे देखने में ठीक लग रहा है लेकिन ये ना थोड़ा इसमें हो रखा था, क्योंकि बच्चे ना चढ़ते रहते हैं उतरते रहते हैं, तो पैर में से हल्का फुल्का कूड़ा भी होता है ना वो भी बेडशीट में लग जाता है, और ये बेडशीट मैं जल्दी ही चेंज कर दूंगी क्योंकि वाइट कलर की है, और फिर ज़्यादा से गंदी हो जाए ना तो इसको फिर धोकर साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके जो पिलो कवर है ना उसमें ऐसे ऑयल वगैरह और जैसे हो जाता है ना सर का ऑयल वगैरह लगता है, तो वो दाग अभी तक निकलते ही नहीं है, बेडशीट में तो ये लगता है लेकिन पिलो कवर के नहीं निकलते हैं, तो इसलिए जल्दी इसको चेंज कर दूंगी मैं। तो बस बेडशीट झाड़ लिए मैंने, और यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत कपड़े हैं उनको भी मैं फोल्ड करके रख दूंगी। तो यहाँ पे फ्रिज से ना मैंने ये न्यूट्री नगेट निकाल लिए हैं, ये कल के भिगे हुए हैं, तो कल हम लोग बना रहे थे शिमला मिर्च न्यूट्री नगेट मिक्स करके, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छी, तो वो बना रहे थे लेकिन फिर ना क्या देखा कि सब्जी है तो फिर हम सब ने उसमें ही खा लिया था, तो फिर ये रहने दिया था। तो आज बनाएंगे न्यूट्री नगेट, ये भिगे हुए हैं और शिमला मिर्च चाहिए, और अच्छी बात यह है कि आशी को पसंद आ रही है शिमला मिर्च, तो फिर मम्मी ने ले लिया ये, तो इसको वॉश करती हूँ, और इसमें से ना एक दो शिमला मिर्च मैं रहने दूँगी, जैसे बच्चों के लिए कुछ बनाना हो मेरे को ना किसी चीज़ में तो वो काम आ जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक दो रहने देती हूँ, काफ़ी शिमला मिर्च चाहिए। और इसके साथ आलू भी मिक्स कर दूँगी मैं अभी, तो बस शिमला मिर्च वॉश करती हूँ। और ना यहाँ पर मम्मी ने आज ये भी लिया है एक गोभी, तो गोभी आना जो है शुरू, मतलब गोभी तो अब ऐसा है कि हर पूरे साल भर ही दिख रही है, तो ये गोभी लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी, साफ भी लग रही थी, तो मम्मी ने लिए, और काफ़ी कितना 80 रुपये किलो बोल रहे हैं वो, तो ये है, ये हम लोग कल बनाएंगे देखेंगे, अभी न्यूट्री नगेट और शिमला मिर्च बना देंगे, तो इसको मैं रख दूँगी। वैसे इसको फ्रिज में तो शायद नहीं रखते हैं गोभी को, पता नहीं मुझे, तो बाहर खुले में रख देंगे ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये है कितनी अच्छी लग रही है ना, अभी बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी हो रखी है। चलिए तो मैं इसको वॉश कर देती हूँ, उसके बाद मुझे सिया को पढ़ाना भी है। अभी ना सिर्फ 5:30 भी नहीं बजे हैं, और सच्ची में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं 6-7 बज गए, बहुत ज़्यादा अजीब सा मौसम हो रहा है बाहर। तो यहाँ पे सब्जी जो है ना मैंने वॉश कर दी है, और मैं काटने ही जा रही थी तब तक मम्मी आ गई, मम्मी ने कहा मैं कट कर देती हूँ, तो मम्मी ने शिमला मिर्च काट दी थी और यहाँ पर मैंने सब्जी बना दी है। इसमें मैंने आलू कट करे थे, लंबे लंबे प्याज कट करे थे, और न्यूटी नगेट जो है इन सभी को मैंने एक साथ भून लिया था अच्छे से, पहले आलू उसके बाद प्याज और फिर न्यूटी नगेट अच्छे से भूनने के बाद मसाले टमाटर और शिमला मिर्च ऐड करके इसको पकाया है, गर्म मसाला कसूरी मेथी ऐड करके, और बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको थोड़ा सा ये थोड़ा गीले
के लिए उसमें चाहिए ग्रेवी में ना, तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है ये। और सब्जी बन चुकी थी आटा, लेकिन मैं अभी नहीं गूंदूंगी क्योंकि अभी आपने देखा ही 5:30 6 ही बज रहे होंगे आई थिंक। फिर आटा भी से गूंदो ना तो थोड़ा अजीब हो जाता है, इस वजह से आटा मैं बाद में गूंदूंगी 7 बजे के टाइम। और यहाँ पर मैं आशी को ओट्स दे रही हूँ, सुबह बनाया था तो सियान तो खाया ही था, तो वो एक कटोरी भर के बचा हुआ था, तो आशी को ओट्स पसंद है तो उसको मैंने गर्म करके दे दिया था ओट्स, और सिया ने दूध पी लिया था। उसके बाद यहाँ पर सिया जो है अपना होमवर्क कर रही है, मतलब आज उसको होमवर्क नहीं मिला था लेकिन थोड़ा सा उसका पढ़ाई का था, जो वो बोल रही मम्मी मैम ने आगे यहाँ पढ़ा दिया है, तो मैंने कहा चलो मैं इसे बिठा ही देती हूँ, क्योंकि चाहे 15 मिनट ही बिठाओ थोड़ा सा ना ये ध्यान रहेगा इसका। अभी 7:45 और सिया ने थोड़ा सा पढ़ाई कर ली है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पढ़ाई करी है, और फिर अभी हम लोग मैं सोच रही हूँ छत में चलते हैं। वैसे ना मुझे ऐसे भी लग रहा है कहीं छत में मच्छर ना हो, लेकिन मैं सोच रही हूँ 10 मिनट जाकर देखते हैं मच्छर होंगे तो फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आजकल ना मच्छर छत तक भी पहुँच जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सब्जी बन गई है, बस आके मैं सोच रही हूँ आटा गूंदूंगी और 10 मिनट देखते हैं छत में जाके, अच्छा लगेगा क्योंकि अंदर ही अंदर ना अजीब हो जाता है। मम्मी भी थोड़ा सा वॉक करने गई क्योंकि मम्मी के पैरों पैर में थोड़े से वैसे होने लग गए हैं, जैसे बरसात में नहीं जाते थोड़ा दर्द भी और हैवी से भी ऐसे हो गए थे। मम्मी 2 राउंड मम्मी बॉडी में लगा के आती हूँ। आशी उठ गई है, उसको मैंने ओट्स दिया है और अभी वो पड़ेगी फिर अपना, और हम लोग चलते हैं छत में। हम लोग मीन्स की आशिया और मैं चलते हैं छत में, तो ये वेट कर दिया है, चलो। तो यहाँ पे हम लोग छत में आ गए हैं और इतना अच्छा लग रहा है छत में ना, फ्रेश फ्रेश, मतलब हवा नहीं आ रही लेकिन फ्रेश सा लग रहा है देखकर। देखो बादल कितने काले हो रहे हैं और अब तो हर जगह ही जो है ना बस हरा हरा जंगल ही दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बरसात में ना ये देखो इस तरह से पेड़ हो गए। मैं जो है थोड़ा सा घूम लेते हैं, ऐसे वाला वॉक तो नहीं लेकिन थोड़ा सा घूम लेते हैं, घूमते हुए अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है। और ये अपना फुटबॉल से खेलेगी यहाँ पे सिया, ये फुटबॉल आशी भी आती है लेकिन वो थोड़ा पढ़ रही है अपना इसलिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा वॉक कर लेते हैं। यहाँ पे मम्मी भी आ गई है। हाँ तो ये मम्मी को इसने बिठा दिया, मम्मी की बधाई दो चीज की बधाई दो मैंने कहा तो आप सब लोग हमारी YouTube फैमिली कैसे हो आप लोग, तो आप लोगों को सब परिवार ढेर सारी हार्दिक बहुत बहुत बधाई हरियाली तीज की, और बोले यहाँ तक पार्वती माँ की कृपा बनी रहे सब पे है ना, ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों को। हाँ तो मैं मम्मी ने हरी चुन्नी पहने हरियाली तीज में हाँ मेहंदी लगाई है, दिखाओ मम्मी मेहंदी लगाई और लगाओ लगा दी, एक ही साथ में लगाई और एक ये लगाई है। तो मेहंदी तो हम हर साल लगाते हैं, खैर तीज में ना भाई ये है कि हाँ व्रत वगैरह नहीं करते। मम्मी चलो बोलो क्या बोलूँ फिर मैं, ढेर सारा आशीर्वाद बहुत बहुत प्यार, खुश रहे स्वस्थ रहे सब परिवार सहित, हैप्पी तीज। और क्या आप लोग झूला झूल रहे होंगे, बनी रहे है ना, तो बस हम लोग तो झूला झाला झूलते नहीं, यहाँ पे कोई है ही नहीं साथ में ऐसे ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो हम लोग बधाई देते हैं, मेहंदी मुंदी हमने लगा ही ली है, तीज हमारी हो ही गई है। ये फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मैंने कहा मम्मी से आपको जरूर से मिलाऊंगी क्योंकि आज तीज है, मम्मी भी आपको बधाई देंगी, और आप लोगों ने कैसे कैसे तीज बनाई बताना, मेहंदी कैसे लगाई हम लोगों ने तो खुद ही लगा दी थी रात को, और होता है शगुन हो जाता है कि तीज में लगाते ही हम लोग हो जाता है। तो बस इस ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फटाफट। चलिए तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद।